हैं आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम सीखेंगे कि किस प्रकार एक सीडान गाड़ी को ड्राइव किया जाए, एक बार में आप कैसे इस गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं फर्स्ट गियर में, और इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार हैं आप, अगर कीलेस है तो बस एक बटन प्रेस करके आप गाड़ी में इंटर हो सकते हैं, अगर की है तो की लगा के आप गाड़ी में इंटर हो सकते हैं। दरवाज़ा बंद करिए, राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड आपका स्टेयरिंग के टॉप पे रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड से आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लीवर है, इस लीवर को ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे होता है ये लीवर, ऊपर की तरफ खींचे और पैर के सहारे इस सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं सीट आगे पीछे हो रही है तो, और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि ये लीवर के साथ साथ आपका पैर पूरा क्लच को प्रेस कर पा रहा है कि नहीं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अभी सेट कर रहा हूँ इस लीवर को और मेरा पैर पूरा क्लच को प्रेस करने लगा है, ठीक है। तो ये सीटिंग पोजीशन मेरे लिए सही है तो इस पर मैं एडजस्ट करके छोड़ दूंगा। इस पर क्लच है, इसके पास आपका पैर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। ये क्लच के पास पैर पूरा पहुंचना चाहिए ताकि पूरा 100% क्लच प्रेस हो। इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आपका क्लच हो गया एंड राइट साइड में एक्सेलरेटर, उसके बगल बीच में ये ब्रेक होता है, यानी कि ए बी और सी, ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गाड़ी जब भी ड्राइव करें। आपका राइट लेग हमेशा एक्सेलरेटर पर रहेगा और लेफ्ट लेग जो होगा वो क्लच पे काम करेगा, यानी एक्सेलरेटर एंड क्लच। ब्रेक के लिए आपको एक्सेलरेटर वाला पैर ही यूज करना है, यानी कि जब भी आपको ब्रेक प्रेस करना होगा तो ये पैर एक्सेलरेटर से उठ के ब्रेक पे चला आएगा। ब्रेक बाइक की तरह झटके से नहीं मारना है क्योंकि इसमें पावर ब्रेक होता है, हल्का सा भी अगर आप इस पर पुश करते हैं तो तुरंत ब्रेक लग जाता है, तो आप इसको धीरे 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 पुश करें। दो चार दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि ये कितना प्रेस करने पे कितनी गाड़ी रुक रही है, कितने दूर पे जाके रुक जाती है। अगर झटके से मारेंगे गाड़ी वहीं पे पूरा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इस आजकल सभी गाड़ियों में लगभग जो भी अच्छी गाड़ियां हैं उसमें ABS सिस्टम आता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि गाड़ी को स्किड होने नहीं देता है, वो उसके टायर के रोटेशन को रखता है जिसकी वजह से गाड़ी स्किड नहीं होती। तो आप जहाँ ब्रेक मारते हैं वो गाड़ी लगभग पूरी स्टेबल रहती है, ज़्यादा टायर वगैरह घिसते नहीं हैं। और यहाँ पर राइट साइड में दो लीवर हैं, ये तो सीट की हाइट एडजस्ट करने के लिए है और ये सीट कितना आगे रखना है मुझे, ये सीट कितना आगे रखना है कितना पीछे रखना है उसके लिए है। तो इसको अगर मैं ऊपर करके पीछे की तरफ पुश करूँ तो ये सीट नीचे की तरफ जाएगी, एंड यही मैं खड़ा होकर अगर इसको छोड़ दूँ नीचे ताकि आपकी कम्फर्टेबल बनी रहे, एंड सीट एडजस्ट करने के बाद थर्ड में आपको क्या करना है, ये सीट बेल्ट होता है, ये बहुत ही कंपलसरी होता है, इसके बिना मैं तो कभी भी ड्राइव करने के लिए आपको सजेशन नहीं करूँगा। इसके बगैर आप कभी भी फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी चलाना भी ना सीखें। पहले आप इसको जितना हो सके खींच लें, इसके बाद यहाँ पे इसका लॉक करने के लिए दिया रहता है, इसमें आपको इसको बस अंदर डाल देना है, एक कट की आवाज़ आती है जब ये लॉक होता है तो, और ये सीट लॉक हो जाती है। और अगर इसी को ओपन करना है तो बस आपको इसको प्रेस कर देना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, जाहिर सी बात है आप ब्रेक का वो कितना प्रेस करें कितना नहीं करें उसके बारे में पता नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैं इसको खींचता हूँ ये बढ़ जाता है, अगर मैं इसको झटके से खींचूँ यहीं पर लॉक हो गया, यानी कि अगर कोई भी इम्पेक्ट होगा तो आपको सीट के साथ ये चिपका के रखेगा ताकि आपको गाड़ी में कोई भी, अगर आप ब्रेक मारें तो जाके आप स्टेयरिंग से या फिर उससे नहीं टकराएं। तो ये सब चीज़ें पैनिक सिचुएशन में काम करती है, इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर आप ड्राइव करना नहीं सीखे हैं या फिर अगर फर्स्ट टाइम है या फिर अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए ज़्यादा। ये इंडिकेटर अप की तरफ अगर करते हैं, ऊपर की तरफ करेंगे तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर एंड डाउन बीच में ऑफ, डाउन साइड करते हैं तो राइट साइड का इंडिकेटर जलने लगता है। तो ये गाड़ी को लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर देने के लिए होता है। एंड थर्ड एंड मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये, आप ये जो मिरर है पीछे के लिए राइट मिरर, वो लेफ्ट मिरर, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और इसको एडजस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपकी हाफ गाड़ी, यानी जिस तरह आप देख सकते हैं आधी गाड़ी
मिरर में दिखे और पूरा रोड दिखे साइड का। सेम उसी तरह उस साइड भी इस मिरर में आपकी आधी गाड़ी दिखनी चाहिए और बाकी रोड दिखनी चाहिए, ताकि आपका पोजीशन पता चल सके कि दूसरी गाड़ी आपके साइड से कितनी दूरी पे है, क्या है। एंड ये जो रियर व्यू मिरर है बैक साइड वाला, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें ताकि पीछे का देख सकें। या चौथा आपको ध्यान रखना है, गाड़ी भी ABCD की तरह ही होती है, तो ABCD में अगर इसको हम लेते हैं तो ये पहला होता है एक्सलेटर, ब्रेक एंड क्लच, ABC, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे ही गाड़ी चलती है, एक्सलेटर, ब्रेक एंड क्लच, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लच प्रेस किया, क्लच प्रेस करने के बाद आपके यहाँ पे लाइट, ग्रीन कलर की एक लाइट जल जाती है। इसके बाद वो इंडिकेट करती है कि आप इग्निशन स्विच को प्रेस करें, जो कि यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप इंजन दिया है। इसको एक बार प्रेस किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। गाड़ी स्टार्ट करते ही देखेंगे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ नंबर्स शो करने लगेंगे, जिसमें आपका ऊपर टेम्परेचर, नीचे एवरेज, ओडोमीटर में किलोमीटर देगा और यहाँ पे टाइम देता है, ठीक है। और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा जान लेना है बस, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट साइड से शुरू करें तो फ्यूल इंडिकेटर, इसके बाद स्पीडोमीटर एंड ये RPM होता है। RPM आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी किस रेस पे चल रही है। फर्स्ट गियर में है आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1500 RPM, 1600 RPM या 2000 RPM के नीचे अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में शिफ्ट कर लें। उसी तरह अगर सेकेंड गियर में है 2200 से ज़्यादा RPM जा रहा है तो थर्ड गियर में शिफ्ट करें। अगर थर्ड गियर में है तो उसी तरह 2300 से ज़्यादा अगर RPM होता है तो फोर्थ में फिर फिफ्थ में कर लें। स्पीड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 0 to 10 फर्स्ट गियर रहेगा, 10 से अबव जाता है तो सेकेंड गियर, 20 के बाद थर्ड गियर एंड 40 के अबव फोर्थ गियर एंड 60+ और 70+ में आप फिफ्थ गियर पुट कर सकते हैं। जो पांचवी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको गियर किस प्रकार डालना है, ठीक है। गियर पे आप देखें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स। तो ये गियर जो होता है ये बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर आप इसको राइट करें तो राइट जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, और ये बीच में न्यूट्रल रहेगा। आपको करना क्या है, आपको क्लच प्रेस किया, इसके बाद पूरा लेफ्ट लेके अप करते हैं तो फर्स्ट गियर डल जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट गियर डल गया हमारा, एक बार फिर से देखते हैं, पूरा लेफ्ट अप की तरफ, ठीक है। इसको इस तरह पकड़े, पूरा लेफ्ट ले जाएं, ऊपर की तरफ छोड़ दें, ये फर्स्ट गियर डल गया, ठीक है। थोड़ी देर चलाएं, फिर इसके बाद डाउन, अगर आप इसको सीधे खींच देंगे तो सेकेंड गियर लग जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि बीच में ला के खींचें तो यहाँ पे छोड़ें, फिर पीछे ले आएँ सेकेंड गियर, फिर ऊपर ले जाएं, ऊपर कर दें थर्ड गियर एंड फिर नीचे ले आएँ फोर्थ, ऊपर करें राइट करें फिफ्थ गियर एंड सबसे राइट एंड डाउन रिवर्स गियर। तो जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं आपका कैमरा इंडिकेटर करने लगता है कि आपकी गाड़ी रिवर्स में जाने के लिए रेडी है और आपको पीछे का व्यू दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं आपके मिरर में पीछे का व्यू दिखने लगता है, चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी मिरर पे लिखा हुआ आ जाता है। आपका हैंड ब्रेक होता है, इसको डाउन करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड ब्रेक डाउन करिए और इस मिरर में देख लीजिए कोई गाड़ी राइट लेफ्ट से आ तो नहीं रही है। इसके बाद सिंपली क्लच को प्रेस करके इस गियर को पूरा लेफ्ट अप किया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे हम धीरे धीरे छोड़ेंगे ये हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। आप देख सकते हैं गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी है। अब आप पूरा क्लच छोड़ दीजिए, वो 10 से अब हो गई, फिर हम एक्सलेटर छोड़ देंगे एंड क्लच प्रेस करके दूसरे गियर में डाल देंगे गाड़ी को, ठीक है। ये स्पीड अगर 20 से अबव जाता है, ठीक है, फिर हम तीसरा गियर डालेंगे,
तीसरा गियर के लिए इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे, गाड़ी थर्ड गियर में चलने लगी। ठीक है, आप देखें गाड़ी थर्ड गियर में चलने लगती है और स्पीड जैसे ही हमारी 40 होती है गाड़ी को फोर्थ गियर में डाल देंगे, पूरा पीछे की तरफ खींच देंगे। बिल्कुल थर्ड एंड फोर्थ गियर जो होता है बिल्कुल सामने होते हैं, इसको आप बीच में भी गाड़ी को ऊपर करेंगे बिना किसी साइड में पुश किए तो वो थर्ड एंड डाउन करेंगे तो फोर्थ गियर में लग जाएगा, तो फोर्थ गियर में थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ी और स्पीड चलने लगती है, अगर ये 60 प्लस जाती है तो फिर हम फिफ्थ गियर डाल लेते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, गाड़ी 60 प्लस गई। अब हम इसको प्रेस करके क्लच पूरा राइट साइड लेके अप की तरफ कर देंगे, ये हमारी गाड़ी 60 प्लस और एबव में जाती है तो इस गियर में ड्राइव करते हैं हम। साथ ही साथ अपने दोनों साइड के रियर व्यू मिरर, जो राइट साइड का मिरर है एंड लेफ्ट साइड का जो मिरर है, इसमें देखते रहते हैं और पीछे वाला मिरर भी देखेंगे ताकि कोई गाड़ी नहीं आए, और ध्यान रखेंगे कि जो लेन हमारे लिए डिफाइन किया गया है उस लेन को हम क्रॉस ना करें, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो अगर आप राइट की लेन में जाना चाहते हैं तो आप अपने इंडिकेटर को राइट करें, फिर इसके बाद ओवरटेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी को। तो इस तरह से करके हम गियर शिफ्ट करते हैं।